I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. Let this. आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच. विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल हाईएस्ट लेवल एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. सेम थिंग वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. लेट्स हैव 3 चीयर्स फॉर इंडिया. हिप हिप हुर्रे. हिप हिप हुर्रे. हिप हिप हुर्रे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. थैंक यू. बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था. It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Emir of Qatar. We're thankful for so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. And that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much.